learners, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you guys the economics chapter development. And when we discuss this chapter, we try to find out the answers of these questions. What is the meaning of development? How do we measure development? And why do some develop and other remains poor? So guys, are you ready to find out the answers of these questions? So let's get started. Actually, develop generally defines as a growth, badhna, vridhi hona, इंक्रीज होना. हम डेवलपमेंट को जनरली एक ही वर्ड में डिफाइन करते हैं कि यदि ग्रोथ हो रही है, इट मींस हम डेवलप हो रहे हैं. एंड व्हेन वी कम टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, देन द प्रोसेस इन विच समवन और समथिंग ग्रोज, progresses or changes and become more advanced, तब हम कहते हैं कि वो develop है. यानी एक ऐसा process जिसमें कोई भी person or an industry or a thing grow होती है, उसके अंदर progress होता है और changes आते हैं और उन changes की वजह से वो advanced हो जाता है, उसे हम कहते हैं development. अब हम बात कर लेते हैं एस्पेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट. एक्चुअली डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. जैसे जैसे जो हमारे गोल्स होते हैं, जो हमारे लक्ष्य होता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. एक पर्सन के लिए जो उसका डेवलपमेंटल गोल है, मे बी वो दूसरे के लिए इतना प्रॉफिटेबल ना हो. हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो कोई एक बहुत बड़ा फार्मर है, उसको प्रॉफिट कब होगा? वो फार्मर डेवलप कब होगा? जब उसको चीप लेबर मिलेगी. लेकिन जो लेबरर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको हाई वेजेस मिले. एक लेबरर की प्रोग्रेस या डेवलपमेंट कैसे होगी? जब उसे हाई वेजेस यानी कि ज़्यादा वेतन मिलेगा. हेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो कैसे वेरी करते हैं. किसान को ऐसे मजदूर चाहिए जो कम वेतन में काम करें, लेकिन जो मजदूर हैं वो चाहते हैं कि उनको वेतन ज़्यादा मिले. तो यहाँ किसान और मजदूर के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो डिफरेंट हैं. गाइस, आप समझ गए होंगे. सेकंड है, एक की डेवलपमेंट हो सकता है दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो. हमने अभी तो पढ़ा फार्मर की डेवलपमेंट कब है? जब उसे चीप लेबर मिले. और यदि वो लेबर्स को चीप रेट पे रखता है तो लेबर्स की डेवलपमेंट नहीं होगी. यानी फार्मर की डेवलपमेंट लेबरर की डेवलपमेंट नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का के लिए विकास की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है और दूसरे व्यक्ति के लिए वो डेफिनेशन कुछ और. नाउ थर्ड, पीपल मिक्स ऑफ गोल देखते हैं जब वो डेवलपमेंट चाहते हैं. यानी कि जब उन्हें विकास चाहिए होता है तो उनके गोल्स, वो एक गोल से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनको बहुत सारे गोल्स चाहिए होते हैं. इसे मैं लेटर ऑन आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि जो मिक्स ऑफ गोल हैं वो कैसे होते हैं. लेकिन इसे मिक्स ऑफ गोल को समझने से पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंटल गोल्स होते क्या हैं. सो चलिए पहले उन्हें ही डिस्कस कर लेते हैं.
डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं? एक पर्सन के पास इनकम होनी चाहिए। यदि मेरे पास अच्छी सैलरी है, मुझे अच्छी सैलरी पे काम करने को मिलता है, तो मेरा गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होगा, यानी मैं बहुत अच्छे यानी शानदार तरीके से जीऊँगी। मेरे पास फैसिलिटीज़ के नाम पर हर चीज़ होगी, टीवी, कार, एसी रूम, पंखे, घर या फ्लैट, आप कुछ भी कह सकते हो, यानी कि सुख सुविधा मेरे पास पूरी होंगी, मेरा एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। और जब मेरी हाई सैलरी है और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, तो मैं सेटिस्फाइड होने की चाह रखूँगी। उसके साथ साथ मैं ये भी, मेरा एक ये भी गोल है कि मुझे इक्वली ट्रीट किया जाए, कि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मेल के साथ यदि मेरा कंपैरिजन हो तो मेल एंड फीमेल को इक्वली समझा जाए। ऐसा ना हो कि सेम पोस्ट पर काम करने वाले मेल को एक फ़ीमेल के कंपैरिजन में हाई सैलरी मिले और मुझे कम। तो मैं चाहूँगी कि इक्वालिटी हो, फ्रीडम होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके साथ साथ मुझे प्रमोशन के, आगे बढ़ने के एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। एम्पल मीन्स पर्याप्त, मेरे पास ढेर सारे ऑप्शंस होने चाहिए, अवसर होने चाहिए, ताकि मैं और ज़्यादा विकसित हो सकूं और ज़्यादा डेवलप हो सकूं और सोसाइटी मुझे रिस्पेक्ट दे। देन डेवलपमेंटल गोल्स, इनकम, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेटिस्फैक्शन, इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, एम्पल अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पेक्ट। इतने सारे डेवलपमेंटल गोल्स हैं। अब इनमें से मिक्स ऑफ गोल्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं? मुझे जो सुटेबल होगा मैं वो मिक्स ऑफ गोल्स चुनूँगी। आपके लिए मिक्स ऑफ गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे लिए डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, नाउ लाइफ इज ए मिक्स ऑफ स्मॉल गोल्स। लाइफ छोटे छोटे गोल्स का मिक्सअप है, मिला जुला है। इफ़ यू आर एबल टू फुलफिल दोज गोल्स, यदि आप उन गोल्स को फुलफिल करने में सक्षम हैं, देन यू विल सर्टेनली सक्सीड इन योर लाइफ, तब आप सफलता की सीढ़ियाँ जरूर चढ़ेंगे। यदि आपने, हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं वेरी क्विकली, कि यदि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्क्योर करने हैं, और यदि आप उसके लिए पर्याप्त यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और आप अपनी स्टडीज़ को ऑनेस्टली कंप्लीट करते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आप ज़रूर हाई स्कोर अचीव करोगे। ओके, अब हम बात करते हैं मिक्स ऑफ गोल कैसे डिसाइड होती हैं। हम मान लेते हैं ये एक पर्सन है जिसका नाम है राजू। राजू को जॉब मिली है तो उसे सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। क्यों, ऐसा क्या हुआ कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ? एक्चुअली जो राजू है उसे जॉब तो मिल गई, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो किसी दूसरे सिटी में है। अब वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे अपनी फैमिली यानी अपनी बीवी और अपने बच्चों को साथ लेकर जाना है, तो वो देखेगा कि क्या उसकी फैमिली के लिए वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो अपनी फैमिली को साथ रख पाएगा। दूसरा, जो जॉब उसको मिली है वहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, क्या उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा वहाँ पर जिससे वो खुशी खुशी उस एनवायरनमेंट में काम कर पाए। उसे प्रमोशन के या आगे बढ़ने के या डेवलप होने के क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? उसके साथ साथ उसकी जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट है, गेस्ट है, रेगुलर है, क्या है? वो चाहेगा कि उसकी जो है जॉब सिक्योर रहे, यानी कि वो रेगुलर वर्कर्स की तरह जॉब करे। एक राजू को जॉब मिलने पर उसके साथ देखो उसके कितने गोल्स ऐड हो गए हैं। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वन गोल। फर्स्ट उसका गोल था कि उसे एक जॉब मिले, लेकिन जब जॉब मिली तो एक साथ इतने मिक्स ऑफ गोल्स उसके सामने आ गए। इसे ही हम मिक्स ऑफ गोल्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज द नेशनल डेवलपमेंट?
अभी तो हम एक पर्सन की डेवलपमेंट कर रही थी कि कोई भी पर्सन है वो डेवलप होता है तो कैसे वो गोल डिसाइड करता है, कैसे उसके गोल जो हम वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते चले जाते हैं। और अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की कि जो पर्सन अभी तक हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे वो नेशनल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है। एक्चुअली नेशनल डेवलपमेंट होती क्या है? The ability of a nation to improve the lives of its citizen. Develop nation हम किसे कहेंगे? एक ऐसा country जो अपने citizens के lifestyle को improve करने की ability रखता हो वही developed nation कहलाएगा। I hope आपको clear हुआ idea guys। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि वो अपने सिटीजन्स को क्वालिटी एजुकेशन देने की एबिलिटी रखता हो, वहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स सेम रेशो में सेम प्रोपोर्शन में एजुकेशन ले पाएं और उसकी जो एजुकेशन वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करा रही है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, वो एक अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए जिसके अंदर मोरल वैल्यूज़ टेक्नोलॉजी सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। सेकंड, क्या वो एक वाटर फैसिलिटीज़ अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करवा पा रहा है? यदि वो सब सिटीजन्स को वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है उसके डेली यूजेस को उसकी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, वो चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो या फिर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना हो, तो तभी हम उसको डेवलप नेशन कहेंगे। सेकंड, क्या उसके अंदर मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है? क्या वो नेशन अपने सिटीजन्स को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा पा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसके अंदर? बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, हाई क्वालिटी की जॉब सिक्योरिटी है, या फिर वो केवल झुग्गी झोपड़ियों में अभी भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं अपनी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए? तो उस डेवलप्ड नेशन हम तभी कहेंगे उस नेशन को जब उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो और वो कैसी हेल्थ केयर सर्विसेज अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करवा पा रहा है। यदि वो ये सारी फैसिलिटीज़ अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करवा पा रहा है तभी वो नेशन डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी के अंदर काउंट होगा। सो गाइस, आपको आज का चैप्टर, आज की वीडियो या आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप मेरी वीडियोस आपको स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प कर रही होंगी, क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल खुलने का कोई ऑप्शन अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। कोरोना इतनी बुरे तरीके से फैल चुका है कि हमें घर में ही स्टडीज़ करनी है, तो मैं आपसे आपके सामने इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियोस आपकी एजुकेशन में आपको घर पर पढ़ने में हेल्प कर रहे हैं तो मुझे एक बड़ा सा थम्स अप भेजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके साथ वाले घंटे को दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि उससे ही मैं अपनी जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।